फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा, जिसको हम ग्रेन्युलोमा पायोजेनिकम भी बोलते हैं। ये एक सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ होती है, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर होती है स्किन की, म्यूकस मैम्बरेन या फिर जिंजाइवल टिश्यू की। तो हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये एक बिनाइन ट्यूमर है, कोई बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला नहीं है। तो हमें इस बात पर गौर करना है, यदि हमारे मुंह में या हमारी स्किन में कहीं पर भी कोई एक एबनॉर्मल ग्रोथ दिख रही है तो हमें उसे हल्के में भी नहीं लेना है और बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर पहले क्योर लेना है। अब बात करते हैं कि इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। इसके कॉजेस हो सकते हैं कि वहाँ कोई स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, या फिर वहाँ पर कोई लोकल इरिटेंट प्रेजेंट हो, जस्ट लाइक कैलकुलस, गंदगी, टार्टर, ये सब जमा होते हैं। तो उस कंडीशन में भी पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। या फिर वहाँ पर कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई चोट लगी हो, जैसे आप गिरे हो, एकदम चोट लगी हो, टूथब्रश लग गया हो, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। या फिर हॉर्मोनल इम्बैलेंस हो। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा ये फीमेल्स में देखने को मिलता है, मेल्स में कंपैरेटिवली कम मिलता है, लेकिन फीमेल्स में ज्यादा मिलता है। और कॉमन एज है हमारी 11 टू 40 इयर्स। जब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और जब एंड पे होती है, तो उस टाइम पे वहाँ हॉर्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। बहुत लोग इसको प्रेगनेंसी ट्यूमर से कोरिलेट करते हैं कि प्रेग्नेंट है लेडी तो उस वजह से ये पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। नहीं, वहाँ हॉर्मोनल इम्बैलेंस इज द मेन रीजन। ऐसा नहीं है कि ये प्रेगनेंसी ट्यूमर है। हमें सारे जो कॉजेज है रूल आउट करने चाहिए, लेकिन हमें सब चीजें माइंड में रखनी चाहिए कि ये किसकी वजह से है और ये क्यों है। सबसे ज्यादा कॉमन साइट है ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, टंग पर भी देखने को मिल सकता है, जिंजाइवा पे, लिप्स पर, हमारे पैलेट पे, हमारे वेस्टिब्यूल में, हमारे एल्वियोलर म्यूकोसा पे, बकल म्यूकोसा पे, इन सब पे हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ है या फिर बल्ज बन गया है, ये थोड़ा एलिवेटेड होता है, पेडंकुलेटेड भी हो सकता है, सिसाइल भी हो सकता है, मीन ऊपर को उठा हुआ भी हो सकता है उठा हुआ ना हो, फर्म होता है। जब आप उसको छूकर देखेंगे, पालपेट करेंगे, तो ये फर्म होता है और थोड़ा सा भी प्रेशर लग जाए तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर थोड़ा सा भी प्रेशर लगता है तो वो ब्लीड कर सकता है। तो हम जब भी हम पेशेंट को चेक करेंगे तो बहुत सावधानी से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेशेंट हमेशा सिर्फ डायग्नोसिस के लिए आता है। यदि हम वहां पर एबनॉर्मल प्रेशर लगा देंगे या बहुत जोर से उसको पालपेट कर देंगे तो ब्लीड करने लगेगा और पेशेंट परेशान हो जाएगा। कई बार यहाँ पस डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। जो साइज है वो 0.9 टू 1.2 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है। अब बात आती है इसकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वहाँ का जो लोकल इरिटेंट है, जिससे इरिटेशन हो रही है, जो इरिटेट कर रहा है टिश्यू को, उसको हमें रिमूव करना है, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रखा है उसे क्योर करना है, और जो ट्रॉमा हुआ है उसके लिए हमें मेडिकेशन देना है, और जो वहाँ टिश्यू ग्रोथ हो चुकी है हमें उसका सर्जिकल एक्सीजन करना है, चाहे वो हम लेजर से करें, चाहे स्कैल्पेल से करें, या फिर हम उसकी इलेक्ट्रोकॉटरी करें। और ये बात ध्यान में रहे, जब भी हम ये काम करेंगे तो प्रॉपर वहाँ पर एनेस्थीसिया देंगे, सुन करके काम करेंगे, सो दैट कि पेशेंट को कोई ट्रबल ना हो। मैंने बहुत सीधे सरल शब्दों में ये टॉपिक समझाने की कोशिश की, फिर भी इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। Thank you for watching my video and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye, take care.